स्वाद बेशुमार और मैं हूँ आपके साथ गुरमीत। हमारे साथ हैं शेफ इरफान। शेफ इरफान, वेलकम टू स्वाद बेशुमार। शुक्रिया मैम। तो शेफ, आज क्या खास डिशेस बनाने वाले हैं? आज बनाएंगे शांगरी की शामी और लाल मांस। लाल मांस, ये राजस्थानी जायके वाली डिशेज होने वाली हैं? बिल्कुल राजस्थानी डिशेज हैं ये, और बिल्कुल शांगरी की शामी, बहुत ही सब्जियां बनती हैं शांगरी की राजस्थान के अंदर, और वैसे ही लाल मांस है। नॉन वेजिटेरियन लाल मांस के बड़े शौकीन होते हैं। बहुत स्पाइसी डिशेज हैं और बहुत सारा इसके अंदर इंडियन स्पाइसेस फ्लेवर्स है। बिल्कुल, तो शांगरी की शामी या लाल मांस, पहले कौन सी डिशेज शुरुआत करें? पहले स्टार्टर है शांगरी की शामी। शांगरी की शामी, ठीक है। तो राजस्थानी जायके वाली शांगरी की शामी जरूर बनाएंगे, लेकिन पहले आप नोट कर लीजिए उसके इंग्रेडिएंट। सांगरी की शामी के इंग्रेडिएंट्स हैं घी, सांगरी, नमक, पनीर, उबले आलू, लाल मिर्च पाउडर, भुना धनिया जीरा पाउडर, हरी मिर्च, हरा धनिया, गरम मसाला और बारीक कटे अदरक। तो हमारी आज की पहले डिश शांगरी की शामी के इंग्रेडिएंट आपने नोट कर लिए होंगे। तो चलिए शेफ, अब शुरुआत करते हैं, बनाएं हमारी आज की पहली डिश। बिल्कुल, सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारी शांगरी क्या चीज है। शांगरी एक तरीके की बीन्स है, ये अभी ड्राई है, और आपको ये कहीं भी किसी भी जनरल मर्चेंट की दुकान पे मिल जाएगी या जहाँ अचार मिलते हैं। तो ये काफ़ी ड्राई होती है, इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया है। तो जो ओवरनाइट सोक मेरी जो शांगरी है वो ये है, देखिए कैसी सॉफ्ट सी हो गई है। इसको मैंने ब्लांच नहीं किया है और काफ़ी मुलायम और नरम हो गई है। तो सबसे पहले शांगरी का शामी बना रहे हैं, तो शांगरी डालेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पनीर डालेंगे, अब इसको थोड़ा बाइंडिंग देने के लिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि बाइंडिंग के लिए हमें आलू डालना पड़ेगा थोड़ा सा, और आलू इसको बॉडी भी देगा कबाब को। तो आलू डालेंगे थोड़ा सा इसमें, और अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक, नमक बहुत ही नमकीन होता है, और इसको हम स्वाद अनुसार डालेंगे। अगर आपको कम खाना है तो कम डालिए, और बाद में भी हम बैलेंसिंग करेंगे जब कबाब हमारा बन जाएगा, तो पहले से नमक हम थोड़ा कम रखेंगे। अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च। मैंने देगी लाल मिर्च इस्तेमाल करी है ताकि कलर थोड़ा सा लाल आए, आप चाहें तो नॉर्मल लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे भुना जीरा और भुना धनिया का पाउडर। मैं आपको दिखा देता हूँ धनिया और भुना जीरा पाउडर, और ये हम खूब सारा डालेंगे क्योंकि इस कबाब में जो फ्लेवर है वो इन्हीं का ही है। बिल्कुल, आपने अपने स्पाइसेस लगता है पूरे ऐड कर लिए हैं। जी हाँ, और अब हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला बहुत थोड़ा सा, चुटकी भर डालेंगे। अब जो हमारा कबाब है हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको मिंसर से मिंस करेंगे। मिंस बहुत ज़्यादा नहीं करना है, और मिंस करते समय बिल्कुल पानी नहीं डालना है। कोशिश यही रहे कि इसमें पानी बिल्कुल ना डले, पहले अच्छे से इसको मिला लें ताकि सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। जो अब हमारा ये मसाले इसमें मिल गए और अब इसको मिंस निकालेंगे, तो मैंने आपके लिए पहले से ही इसका मिंस जो मिक्सचर है तैयार कर रखा है। मेरा जो मिक्सचर है इस तरीके का हो जाएगा, देखिए। बिल्कुल, आपने पूरी तरह से मिक्स कर लिया, एकदम महीन पेस्ट। जी हाँ, पेस्ट बना लिया है, बस पानी नहीं डालेंगे मिक्सचर में, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो अब जो है इसके अंदर हम जो है जो डालेंगे वो है कटा हुआ धनिया, अदरक और हरी मिर्च। तो सबसे पहले जो है हम डालते हैं इसमें हरी मिर्च, क्योंकि हमने पहले लाल मिर्च डाली हुई है, तो हम हरी मिर्च जो है थोड़ी डालेंगे, थोड़ी सी हरी मिर्च। अब डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया, चाहे तो बारीक काटें चाहे तो मोटा काटें, क्योंकि खूब सारा धनिया डालेंगे ताकि हमारा कबाब भी थोड़ा कलरफुल हो जाए। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि राजस्थानी फ्लेवर वाली ये डिश होने वाली है, तो कुछ खास इसमें जरूर राजस्थानी टच होने वाला है। जी हाँ, वैसे राजस्थानी लोग खाना बहुत स्पाइसी खाते हैं, तो अगर आपको सही में टेस्ट लेना है तो थोड़ा स्पाइसेस बेयर करनी पड़ेगी, मिर्ची तीखी खाते हैं वो। और अब हम डालेंगे कटा हुआ अदरक, खूब सारा कटा हुआ अदरक, बहुत फ्लेवरफुल रहेगा, बहुत रिफ्रेशिंग रहेगा। और अब हम डालेंगे
प्याज कटा हुआ, और अब जो है इसको मिक्स करेंगे हम अच्छे से, ताकि प्याज, हरी मिर्च और अदरक का फ्लेवर हमारे कबाब के अंदर बहुत अच्छे से चला जाए। बिल्कुल, जैसे आपने बताया है शांगरी खट्टी होती है, यानी हमारी जो आज की डिश है शांगरी की शामी, इसका कुछ खट्टा खट्टा सा फ्लेवर है। हमने प्याज डाली है इसलिए बड़ी क्रंची सी हो गई है। हाँ। और ये हमारी तैयार हो गई है, तो अब हम इसे छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे इसकी, यानी कि शामी कबाब की शक्ल देंगे। राजस्थान के अंदर जो भी खाना बनता है वो शुद्ध देसी घी में बनता है, और हम भी अपने कबाब को देसी घी में ही बनाएंगे। मतलब पूरा राजस्थानी जायका आना चाहिए, लोकल फ्लेवर आना चाहिए। जी हाँ, खूब सारा घी डालेंगे। मैंने नॉनस्टिक पैन यूज़ किया है, फिर भी अगर आप चाहें तो घी कम कर सकते हैं इस्तेमाल। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, जब भी कोई कबाब या टिक्की सेकने के लिए आपको शुरू करें, तो कोशिश करें आपका पैन और घी दोनों गर्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि जैसे घी गर्म नहीं हुआ और हमने कबाब डाल दिया, तो कोशिश करें कि आपका घी गर्म हो जाए, ताकि आपके कबाब चिपकेंगे नहीं पैन के अंदर। तो जो हमने टिक्कियाँ बनाई हैं, अब हम इसको सेकते हैं। आप चाहें तो बहुत कम घी ले सकते हैं, क्योंकि ये राजस्थानी खाना है और घी का बहुत ज़्यादा महत्व है, और मैं चाहता हूँ मेरा कबाब जो है अच्छे से सिके, अंदर तक पक जाए, ताकि कोई इसे बता ना पाए कि मैंने शांगरी के कबाब बनाए हुए। यानी बहुत ही क्रिएटिव डिश होने वाली है आज की ये शांगरी की शामी। तो ये हमारा अंदर से पीछे से बड़ा अच्छा सिक गया है कबाब। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा भूल चूक ना हो, कोई भूल चूक यहाँ दिख नहीं रही है। जी हाँ। बल्कि बहुत मेहनत दिख रही है। और एक बार इसे और पलट लेते हैं, ताकि हमारा कबाब अच्छे से पक जाए। तो अब हमारा जो कबाब है वो तैयार है, और बहुत ही सिंपल रेसिपी थी और बहुत ही जल्दी बनाया है हमने इस कबाब को। तो आप भी अगर घर में ट्राई करेंगे तो बहुत जल्दी बनेगा ये। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपके पास आलू हो और थोड़ा सा पनीर हो, शांगरी है, बाकी नमक मिर्चा और घर के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास होते हैं। बिल्कुल, तो आपकी खास टिप्स का तो हमारे व्यूअर्स पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। जी हाँ, अब हमारा जो कबाब है वो तैयार हो चुका है, तो हम इसे अब आपकी शांगरी की खुशबू भी यहाँ दूर दूर तक आ रही है। जी हाँ, खाने में बड़ा स्पाइसी और बहुत ही टेस्टफुल राजस्थान फ्लेवर्स इसके अंदर, राजस्थानी खाने के बिल्कुल फ्लेवर्स पूरे अंदर तक रहते हैं। तो गुरमीत जी, ये है हमारा शांगरी का शामी, आज की पहली डिश शांगरी की शामी। हमारी आज की पहली डिश तैयार हो चुकी है, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बनाएंगे आज की दूसरी डिश, जो की है लाल मांस। तो फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।